गुड आफ्टरनून सभी को। आई होप आप सभी ठीक होगे। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे एग्जाम क्रांति 3.0 पर। तो हमने पढ़ा था कल भाई प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम एक ग्राफ के थ्रू स्टार्ट करते हैं। तो हम ऐसे ले लेते हैं इसको। ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये तो है एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस पे और ये है वाई एक्सिस पे। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे तो था हम प्रेशर, क्या था प्रेशर, और यहाँ था हमारा टेम्परेचर। ठीक है, तो हमारा ये था प्रेशर और साइड में क्या है, नीचे क्या था टेम्परेचर था। जब प्रेशर बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होता था, उसका इंक्रीज होता डिक्रीज होता था। तो देखो, जब हम मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है और एक यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारे पास ये है, तीन स्टेट भी होती है हमारे पास, सॉलिड गैस और लिक्विड, हमारे पास ये तीन स्टेट होती हैं, ठीक है। तो मान लो हमारा एक ग्राफ है, ठीक है। जब प्रेशर क्या होता है इसका, लो होता है, क्या होता है जब प्रेशर लो होता है, क्या होता है प्रेशर लो होता है। तो जब प्रेशर लो होता है और जो इसका टेम्परेचर है, यानी जो टेम्परेचर वो क्या होता है हाई होता है, ठीक है, क्या होता है टेम्परेचर हाई होता है यहाँ पर। तो ये हमारा क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होता है, क्या होता है सॉलिड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। तो क्या होगा यहाँ पे इसका, हाई प्रेशर यही होगा। जब इसका यहाँ पर क्या हो रहा है, लो टेम्परेचर हो रहा है और हाई क्या हो रहा है इसका प्रेशर हो रहा है। तो यहाँ पे और इसको हिंदी में बोलेंगे निम्न ताप, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, निम्न तापमान, और इसको बोलेंगे उच्च दाब, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जब इस ग्राफ के थ्रू हम यहाँ पे कोई भी ले रहे हैं पॉइंट, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ले लिया इस पॉइंट को, चलो दो पॉइंट मान लो, ठीक है, ए भी मत मानो, सिर्फ ए और दो पॉइंट मान लो सिंपल से, ठीक है। तो ए पॉइंट मान लो, यहाँ पे हमारा सॉलिड स्टेट हो गया, क्या हो गया हमारा यहाँ पे सॉलिड स्टेट हो गया। जब सॉलिड स्टेट होगा, जब इसका प्रेशर तो क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा, और जो इसका टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा लो हो जाएगा। और मान लो यहीं पर हम क्या ले लें, तब इसका टेम्परेचर क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर क्या है लो है और प्रेशर क्या है हाई है, ठीक है। ये हमारा होगा गैस पे, क्या होगा हमारा यहाँ गैस स्टेट पे होगा, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हुआ इसका, हाई तो हो गया इसका टेम्परेचर, हाई क्या हुआ है टेम्परेचर, ये किस कौन सी स्टेट में हुआ है गैस में, और यहाँ पे हुआ है लो प्रेशर, लो प्रेशर इसको बोलेंगे उच्च ताप, और इसको बोलेंगे निम्न दाब, ठीक है। और मान लो, ठीक है, ये तो हो गया हमारे गैस में, ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ से गया है और यहाँ तक आया है गैस स्टेट में, तब तो इसका हाई तो हो गया टेम्परेचर और लो हो गया हमारे पास इसका प्रेशर। और जब यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में लेंगे, ठीक है, ये ग्राफ के थ्रू, तो यहाँ पर होगा हमारा लो टेम्परेचर होगा और हाई क्या होगा प्रेशर होगा, यानी उच्च दाब होगा। और जब हम इसी गैस को किसमें कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में, तो हमारी जो गैस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड में। तो लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में कौन सा बनेगा, यानी इसमें क्या इसका उल्टा बनेगा, क्या बनेगा इसका अपोजिट बनेगा एकदम से, यानी गैस का लिक्विड में बदलना, यानी उसमें चेंज होना। तो चेंज होना क्या होगा इसमें, तो इसका जो लो तो हो जाएगा टेम्परेचर और हाई होगा इसका प्रेशर, क्या होगा इसका हाई
प्रेशर यानी निम्न ताप और उच्च दाब। ठीक है, जब हम सॉलिड को गैस में यानी सॉलिड में तो होगा इसका लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा, और इसके आगे ही गैस स्टेट में क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, लो प्रेशर होगा। और जब गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं, जब गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ पे गैस को किस में चेंज किया, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो जो गैस का था, गैस की जो स्टेट थी यहाँ कहाँ तक थी, हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर, और यहाँ पे जो लिक्विड में हुआ है इसके अपोजिट हुआ है, वो हुआ है लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ये हुआ है, एक दूसरे के उल्टे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ है, तो देखो जब ये तीन दो हैं, ठीक है, यहाँ पे दो पॉइंट लिए हमने, और वो क्या, एक सॉलिड फॉर्म में है, एक गैस फॉर्म में है। जब यहाँ टेम्परेचर से जब प्रेशर की तरफ गया है, ठीक है, यहाँ पे मिले हैं तभी दोनों ही, प्रेशर भी और टेम्परेचर भी, तो यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में हो गया। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में होते ही इसका लो टेम्परेचर हो गया और हाई प्रेशर हो गया, और तब ये गैस में लेते हैं तो हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है। जब गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो इसका क्या हो जाता, बिल्कुल उल्टा हो जाता। तो लिक्विड में क्या होगा ये, तो लिक्विड में होगा निम्न ताप यानी उच्च दाब यानी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होगा। तो इसी के थ्रू हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके। और जो एक बात हो रही है इसमें, और जो गैस और जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ है नहीं, ठीक है, तो ये जो गैस है नहीं, वो एक आइडियल गैस की तरह क्या करता है, बिहेव करता है यानी व्यवहार करता है एक आइडियल गैस की तरह। तो इसमें देखो, जो आइडियल गैस का एक इम्पोर्टेंट है कंडीशन है, इसकी एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है, यानी जो एक गैस है, ठीक है, एक गैस यानी कोई भी गैस ले लो, एक गैस नहीं है, कोई भी गैस या किसी भी गैस, किसी गैस का आदर्श गैस की तरह व्यवहार व्यवहार करने की शर्त, यानी ये इसकी क्या हो गई है, कंडीशन हुई है, करने की शर्त। ठीक है, जो गैस है जो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रही, तो वह गैस क्या है, एक आइडियल बिहेव करती है, ठीक है, एक आइडियल गैस की तरह क्या करती है, वो बिहेव करती है यानी उसका व्यवहार होता है, ये उसकी कंडीशन होती है, यानी किसी गैस का एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने की शर्त। ठीक है, तो इसी पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो जो आइडियल गैस होती है ना, तो वो क्या होती है हमारी, जो आइडियल गैस थी हमारी क्या थी, गैस थी जो हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर हो रही थी, क्या हो रही थी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर, यही हो रही थी। ठीक है, तो ये ग्राफ के थ्रू, आप यहाँ ग्राफ बना लिया ना, तब तो आप पे हर क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे जल्दी से जल्दी, बिल्कुल एक सेकंड भी नहीं लगेगा सोल्व करने के लिए, अगर आप अगर ग्राफ समझ में आ जाए तो। जो हाई टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, लो प्रेशर हो रहा है इसका। ठीक है, जो निम्न यानी उच्च ताप मान और इस क्या हो रहा है इसका निम्न प्रेशर यानी दाब। ठीक है, अब करते हैं इस पे क्वेश्चन। ये रहा, देखो अभी अभी पढ़ के आए थे। ठीक है, एक गैस के एक आदर्श गैस की तरह व्यवहार करने के लिए शर्त, तो क्या थी, एक गैस है जो आइडियल गैस है, ठीक है, वो व्यवहार कर रही है, कैसी कर रही है, कौन सी शर्त पे कर रही है, या तो उसका ऊंच तापमान और निम्न दाब होगा, और बी पे है उसका ऊंच तापमान और ऊंच दाब होगा। देखो दोनों तो हो नहीं सकते, ना तो उसका हाई टेम्परेचर हो सकता है और ना हाई उसका प्रेशर हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। नेक्स्ट में क्या बोला, लो टेम्परेचर लो प्रेशर यानी निम्न ताप और निम्न दाब, ये भी नहीं हो सकता बिल्कुल भी, रॉन्ग है, अभी अभी जस्ट पढ़ा है। ठीक है, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर, लो
यानी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर यानी निम्न तापमान और उच्च ताप। तो हमने क्या पढ़ा था गैस में, यानी आइडियल गैस में उसका क्या था, हाई टेम्परेचर, और किस में था वो, लो प्रेशर में। तो यही पढ़ के आए थे ना, एक आइडियल गैस तो यही होती है नी, एक आइडियल गैस की तरह व्यवहार करती है। तो इसका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा हाई टेम्परेचर लो प्रेशर यानी उच्च तापमान और निम्न दाब। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, इसी में देखो, शर्तों का कौन सा सेट गैस को द्रवित करने का सबसे आसान तरीका है, यानी गैस को द्रवित करने का सबसे आसान तरीका क्या है। फर्स्ट क्या ऑप्शन, हाई टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर यानी उच्च तापमान और निम्न दाब, ये तो हो ही नहीं सकता। बी हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, यानी दोनों क्या, ऊंच तापमान उच्च ताप, यानी दोनों ऊंच तो नहीं हो सकते, ठीक है, यानी हाई तो नहीं हो सकते, हाई और लो हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता। और थर्ड क्या है, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर, ये भी नहीं हो सकता भाई, दोनों ही लो हो और दोनों ही हाई हो, इनमें से दो बी और सी में तो कौन सा ऑप्शन है ही नहीं है। डी ऑप्शन क्या हमारा, जब लो टेम्परेचर है और हाई प्रेशर तो निम्न तापमान है और ऊंच दाब है, हाँ ये हो सकता बिल्कुल। देखो ग्राफ में पढ़ा था हमने, देखो क्या था उसमें, वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर था, ठीक है, ये सॉलिड में था, उसने बोला गैस द्रवित होने का, ठीक है, तो गैस द्रवित हो रही हाई यानी हाई टेम्परेचर से लो प्रेशर हो रही है, और जब लिक्विड फॉर्म में हुआ था लो टेम्परेचर से हाई प्रेशर हुआ है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ये, यानी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर, यानी वो जो गैस थी ना वो किस में हुई थी, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, क्या हुई थी वो, लिक्विड फॉर्म में, और जो गैस का था वो क्या था, हाई टेम्परेचर था, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। और जब हमने इसी को चेंज किया गैस लिक्विड की फॉर्म में, जो गैस होती है नहीं हमारी वो सभी किस में होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ठीक है, तो जो लिक्विड का था वो हमारा क्या था, लो टेम्परेचर था, ठीक है, क्या था, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, यही था, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी। मान लो, ठीक है, ये कैसे हुआ, अगर जितने भी गैसें होती हैं ना वो सारी किस में होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, तो लिक्विड फॉर्म में होती, जो हमारा गैस सिलेंडर होता है वो सारी उसमें क्या होता है, प्रेशर के दबाव के कारण उसमें क्या होती है, बिल्कुल उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है, तो जो जिसमें उसमें गैस भरी होती है वो सारी किस में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। जब हम गैस सिलेंडर जब गैस में लगाते हैं तो चूल्हे पर लगाते हैं, तो उसमें जो नली होती है, जो उसमें से बहता हुआ दिखाई देता है वो हमारा लिक्विड होता है, ठीक है, वो गैस जा रही हो वो हमारी क्या होती है, लिक्विड होती है, तो उसका क्या होता है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, ये रहा, देखो किस पर गैस का घनत्व अधिक होता है, यानी किस पर गैस का घनत्व अधिक होता है, यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है गैस की मैक्सिमम, ठीक है, तो हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है, पीछे करवा था हमने, तो डेंसिटी होती है किसके बराबर होती है, मास बाय वॉल्यूम, यानी डेंसिटी यानी घनत्व इक्वल में क्या था, मास द्रव्यमान और बाय में वॉल्यूम यानी आयतन, इसी के बराबर था, ठीक है। इसने बोला है किस पर गैस का घनत्व अधिक होता है, यानी क्या है पहला ऑप्शन, यानी उसका कम तापमान होगा, कम दाब होगा, यानी उसका लो टेम्परेचर लो प्रेशर होगा, ये तो हो नहीं सकता, दोनों ही कम हो, या लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर यानी कम तापमान और ऊंच दाब हो, हाँ तो हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर ये भी नहीं है, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन होगा करेक्ट, यानी उसका लो तो टेम्परेचर होता है, हाई क्या होता है, मैक्सिमम बोला है, मैक्सिमम तो मैक्सिमम डेंसिटी यानी इसकी डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और जो इसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है हमेशा, ठीक है, जो उसका वॉल्यूम होता है वो होता है हमेशा वॉल्यूम में डिक्रीज होता है, जो उसकी डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास, उसका लो तो टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास बी। इसके आगे एक क्वेश्चन और है, ये देखो, गर्म करने के दौरान विस्तार करो, ठीक है, गर्म करने पर
यानी गरम गरम करते हैं उसके बाद देखना, ठीक है। तो देखो पहला क्या, केवल ठोस में होता है? नहीं भाई, कोई चीज़ अगर गर्म करते हो ठोस में होगी? नहीं होगी, वो मेल्ट जरूर होगी। अगर पदार्थ का वजन बढ़ता है, पदार्थ का वजन बढ़ाते हैं? नहीं, जो जितना उतना ही रहेगा। तो सी, पदार्थ के घनत्व को कम कम करता, हाँ घनत्व को कम कर सकता है। यानी सारे क्या होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं या ठोस पदार्थ के लिए एक ही दर होती है? देखो तरल होते हैं सारे, जितने भी तरल पदार्थ हैं, जितने भी मटेरियल हैं लिक्विड फॉर्म में, और जो जितने सॉलिड फॉर्म में हैं, उन सब का एक जैसा होगा, एक जैसा रेट होगा? नहीं होगी, उनकी एक दर नहीं हो सकती। इसलिए ये डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ना ए हो सकता, ना बी हो सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पदार्थ के घनत्व को कम किया जा सकता है। देखो जो डेंसिटी होती है हमारे पास, वो किसके बराबर होती है? मास बाय वॉल्यूम के बराबर होती है, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम, जो इसकी डेंसिटी होती है वो क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी यानी घटेगी, और जो उसका वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। क्या होता है, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, और जो डेंसिटी होती है वह होती है इसकी घटती यानी डिक्रीज होती है, यानी पदार्थ के घनत्व को कम किया जा सकता है, ठीक है। यानी कम किया जा सकता है, इसका ऑप्शन होगा हमारे पास सी। तो एक तो नेक्स्ट देखो, जब हमने ग्राफ के थ्रू बताया था भाई सॉलिड होता है तो उसका लो लो टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, और गैस में बोला था उसका हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, और जब लिक्विड फॉर्म में किया था लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ठीक है। ये था हमारे पास। तो अब मान लो अब भी एक ग्राफ के थ्रू ही समझाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हो गए, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने तीन स्टेट ली थी, एक मान लो यहाँ पे है, एक मान लो यहाँ पे है, ठीक है। ये हो गए हमारे पास दो, यहाँ पे तो होगा ये सॉलिड में, किस में होगा, सॉलिड में। ये हमारे पास क्या होगी, गैस कि या क्या होगी, यहाँ पे गैस, ये तो हो नहीं सकता, ये पीछे भी हम करके आए थे, ठीक है। ये होती है हमारे पास बिल्कुल, ठीक है। ये हमारे पास मान लो ये हो गया करो टाइप में होती है, क्या होती है, करो। इस ये होते हैं हमारे पास गैस, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, यानी बहुत सारे परमाणु हैं, ठीक है, इसमें गैस में, ठीक है। यहाँ पे होगी गैस, और ये हो गया हमारे पास सॉलिड, ठीक है। इसके आसपास क्या हो गया हमारे पास, सॉलिड हो गए, और ये हो गया हमारे पास लिक्विड, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन चीजें हैं, या फिर इसको ऐसे भी ले लो, इसको, या फिर इसको ऐसे कर लो, करो के टाइप में, ठीक है। ये हमारे पास होगा करो टाइप में होगी, ठीक है। तो इसमें क्या, बहुत सारे हमारे पास क्या है, इसमें बहुत सारे क्या हैं, पार्टिकल्स हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, और ये किसकी फॉर्म में है, लिक्विड में, ठीक है। इसको कर लो लिक्विड फॉर्म में, और जो हमारे यहाँ पे हैं वो क्या हमारे सॉलिड हैं, क्या हैं, सॉलिड फॉर्म में, और जो बाहर की तरफ हैं वो हमारे गैस के रूप में, किसके रूप में है, गैस की फॉर्म के रूप में है। तो आपने बेरा पता ही है, ठीक है, आपको पता है यहाँ पे क्या है, हमारा टेम्परेचर होता है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है सभी को, ठीक है। तो वाई एक्सिस पर क्या होता है, यानी वाई एक्सिस पर प्रेशर और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर, ठीक है। तो हमने एक ले लिया करो टाइप में, इसमें क्या बहुत सा पार्टिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सा मैटर है, और जो किसकी फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में है, किसकी फॉर्म में है, वो लिक्विड में, ठीक है। एक या बार है जहाँ पे है वो क्या है, सॉलिड में, जहाँ पे सॉलिड का क्या होता है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है, और जो गैस होती है वहाँ पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर होता है, ठीक है। और जो लिक्विड है, मान लो हमने जो लिक्विड है, अगर इसको हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो ये केवल एक ही स्टेट में दिखेगा, लिक्विड लिक्विड की स्टेट में दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखेगा, ये लिक्विड लिक्विड की स्टेट में दिखेगा। अगर इसको ऐसे कर लेते हैं, जैसे कम इसका प्रेशर ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रेशर ज़्यादा कर लेते हैं, तब ये किसकी किसकी फॉर्म में दिखेगा, टेम्परेचर तक, ये सॉलिड और गैस में दिखेगा, किस में दिखेगा, सॉलिड और गैस में दिखेगा। अगर इसको यहीं यहीं से कर लेते हैं,
ये केवल गैस गैस में ही शो करेगा, ठीक है। अगर ये तीनों अलग अलग शो कर रहे हैं, सॉलिड गैस में हो रहा है और स्वर्ग यहाँ पे ओनली गैस लिक्विड लिक्विड स्टेट में हो रहा है, तो यहाँ पर करते हैं तो केवल गैस गैस में शो कर रहा है, ठीक है। तीनों यानी तीनों स्टेट क्या कर रही है, अलग अलग शो कर रही है, किसी में दो आ रही है, किसी में एक आ रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा करें ना, तीनों ही इकट्ठे आ जाएं, क्या है, तीनों ही इकट्ठे आ जाएं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये पॉइंट हमारा है, ठीक है, क्या है, ये हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, इस ग्राफ को यहाँ से ड्रॉ करती हूँ, देखो ये हमारे तीनों स्टेट में होगा, लिक्विड में भी होगा, सॉलिड में भी होगा और गैस में भी होगा। ये ऐसा एकमात्र पॉइंट है, ठीक है, जहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर शो करते हैं, ठीक है, जो लिक्विड पे करते हैं। तो लिक्विड पे करते हैं तो तीनों स्टेट क्या होंगी, शो होंगी, सॉलिड भी होगी, लिक्विड भी होगी और गैस भी होगी। तो इसी के थ्रू इसमें कितनी स्टेट, कितने टाइप बनते हैं, छह टाइप बनते हैं, कितने टाइप बनते हैं, छह टाइप बनते हैं, ठीक है। जो सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज होगा एक पॉइंट, और जो लिक्विड है वो किस में चेंज होगा, सॉलिड में, तो हो गए, ठीक है। यहाँ पे सोल जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा, गैस में, तीसरा पॉइंट, और जो गैस है वो किस में शो हो रहा है, लिक्विड में, ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट, ठीक है। और जो गैस है वो किस में हो रही है, सॉलिड में, ठीक है, पांचवा पॉइंट, और जो सॉलिड है वो किस में हो रही है, गैस में हो रही, छठा पॉइंट। छः हो गए, कितने पॉइंट हो गए, जो सॉलिड है वो लिक्विड में, लिक्विड है सॉलिड में, और लिक्विड गैस में, और गैस लिक्विड में, और गैस सॉलिड में, सॉलिड गैस में, ये होगी। इसमें ना तो टेम्परेचर लो होता है, इसमें ना तो टेम्परेचर लो होता है और ना ही इसमें प्रेशर हाई होता है, ना ही प्रेशर क्या होता है इसमें हाई होता है, ठीक है, इसमें ना लो होता है और ना हाई होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है, ठीक है। तो कितनी स्टेट बन गई यहाँ पे, छह बन गई है, सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड, और लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, और गैस से सॉलिड, और सॉलिड से गैस, हमारे छह टाइप हो गए, ठीक है। देखो अब फर्स्ट था हमारे पास, किस में चेंज हुई थी, सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है। तो इससे क्या बना हमारा, देखो ये तो हमारे पास ठोस है, ये हमारे पास तरल है, ठीक है। जब बर्फ से क्या बनती है, बर्फ क्या होती है हमारे पास, सॉलिड होती है, ठीक है, बर्फ क्या होती है हमारे पास, सॉलिड होती है, और सॉलिड है जब बर्फ मेल पिघलती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में। जब मेठो यानी सॉलिड से क्या बन जाती है, वो लिक्विड बन जाती है, उसको क्या बोलेंगे हम, मेल्टिंग, क्या बोल रहे हैं, मेल्टिंग, और हिंदी में बोलेंगे इसको पिघलना यानी गलन, इसको गलन भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी गलन। और दूसरी थी हमारी किस में चेंज हुई थी, इसका उल्टा था, लिक्विड से सॉलिड में, लिक्विड से सॉलिड, ठीक है। जब ये तरल से किस में चेंज हो रही है, ठोस में, यानी पानी से क्या बन रहा है, इसका बर्फ है, पानी से क्या बन रहा है, पानी क्या हमारा लिक्विड है, और जो ठोस है वो क्या है, बर्फ है। जो लिक्विड से क्या बन रही है, बर्फ है, यानी पानी से क्या बन रहा है, बर्फ बन रहा, तो उसको बोलेंगे हम फ्रीजिंग, क्या बोलेंगे उसको, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, इसको सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन, हिंदी में बोलेंगे हिमन, ठीक है। और थर्ड क्या था हमारे पास, छह बने थे ना, तो थर्ड पे आ गए, जब सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से सॉलिड हो गया, तो लिक्विड से क्या बनी थी, गैस, लिक्विड से गैस, तो जब तरल से क्या बन रही है, गैस बन रही है, यानी गैस, तो इसको बोलेंगे वाष्पीकरण, या क्या बोलेंगे इसको, वाष्पीकरण यानी वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण। अब आ गया इसका फोर्थ पॉइंट, जब गैस से क्या बनाएगा, लिक्विड, गैस से क्या बना है, लिक्विड, इसको बोलेंगे कन्वेक्शन यानी कंडेंसेशन,
कंडेंसेशन, ठीक है, तो इसको बोलेंगे कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन को हिंदी बोलते हैं संघनन। जब गैस लिक्विड में जो चेंज हो रहा था उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। और जब फिफ्थ पॉइंट बोला था मैंने, सॉलिड से किस में चेंज हुआ था, गैस में, इसको बोलेंगे सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन, ठीक है, यानी ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। सॉलिड से गैस में इसको बोलेंगे सब्लिमेशन, यानी इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और सिक्स्थ हो गया लास्ट हमारे पास, गैस से लिक्विड, सॉलिड, सॉरी, गैस से सॉलिड की फॉर्म में चेंज हो रहा है, यानी इसको बोलेंगे डी पोजिशन, डी पोजिशन। इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। देखो अब मैं पूछ लूँ, अगर सॉलिड जो गैस है सॉलिड में किस में चेंज हो रहा है, डिपोजिशन में, मैं बोलूँगी इसका उल्टा बताओ, यानी इसका विपरीत बताओ, अपोजिट बताओ, तो इसका अपोजिट क्या होगा? सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, सब्लिमेशन को हम डी सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं, यानी इसको डी सब्लिमेशन भी कह सकते हैं। और मान लो एक क्वेश्चन आ जाए, गैस अगर लिक्विड में कंडेंसेशन में कन्वर्ट हो रहा है तो इसका अपोजिट बताओ, तो अपोजिट इसका क्या होगा? लिक्विड से गैस क्या बनेगा वो हमारे पास? वाष्पीकरण, यानी वेपोराइजेशन, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन राम नहीं, कहाँ पे गया वो क्वेश्चन? ये तो हॉट कोल्ड वाला हो गया, आगे ट्रांसफर, या ये रहा। देखो वाष्प के द्रव बनने की विपरीत क्रिया, यानी इसका उल्टा पूछा इसने, ठीक है, रिवर्स में पूछा, रिवर्स प्रोसेस में क्या होगा? जो वेपर का बिकमिंग लिक्विड्स में चेंज होना, यानी इसका द्रव में बदलना, वाष्प का द्रव में बदलना, यानी वेपोराइजेशन होगा, फ्रीजिंग होगा, और कंडेंसेशन होगा, या फिर सब्लिमेशन होगा। तो हमने क्या बताया था, जो लिक्विड का यानी ठोस में, यानी क्या था, लिक्विड का गैस में चेंज होना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण, यानी वेपोराइजेशन, ठीक है। और जो गैस का लिक्विड में चेंज होना उसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन, ठीक है, ये होता कंडेंस। अगर इसने बोला गैस का लिक्विड में चेंज होना उसको बोलते कंडेंसेशन, तो इसने पूछा है इसका विपरीत पूछा है, इसका क्या पूछा है? इसने विपरीत पूछा है, क्या पूछा है? इसका विपरीत, यानी इसका उल्टा पूछा है। तो इसका उल्टा क्या हुआ? लिक्विड को गैस में चेंज करना, वाष्पीकरण, यानी इसका वेपोराइजेशन पूछा है, ठीक है। देखो इसने, देखो उसने कंडेंसेशन का पूछा ना यहाँ पे, कंडेंसेशन, ठीक है। तो गैस जो लिक्विड था वो कंडेंसेशन में चेंज हुआ, ठीक है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। इसका रिवर्स कौन सा होगा? लिक्विड से गैस, इसको बोलेंगे वेपोराइजेशन, यानी वाष्पीकरण। तो इसका रिवर्स कौन हुआ? वेप, यानी वेपोराइजेशन। और जब इस बोलेंगे, जब लिक्विड का सॉलिड में, लिक्विड का सॉलिड की यानी डिपोजिशन में दे रखा है, और बोलेंगे इसका विपरीत बोलो, यानी इसका अपोजिट बताओ, इसका उल्टा बताओ, तो इसका उल्टा क्या होगा? सॉलिड का गैस में, और इसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। इसके कई क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल ईजी से याद कर सकते हैं, यानी ठोस का तरल में बदलना, यानी सॉलिड का लिक्विड में बदलना, वो क्या है? लगेगा मेल्टिंग। और जो लिक्विड का सॉलिड में चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। और जो लिक्विड का गैस में चेंज हो रहा है उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन। और जो गैस जब लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको बोलेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। और जो सॉलिड का गैस में चेंज हो रहा है उसको सब्लिमेशन। और जब गैस सॉलिड में चेंज हो रहा है तो डिपोजिशन, यानी इसको रिवर्स भी बोल सकते हैं। बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से आप न्यूमेरिकल भी सोल्व कर सकते हैं अगर आपको इन चीज़ों का पता हो तो, ठीक है। तो इस पे कुछ भी क्वेश्चन भी बना सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ए, वेपोराइजेशन, यानी वाष्पीकरण, ठीक है। तो इसमें आगे होता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी जल के त्रिक बिंदु,
नेक्स्ट होता है जल के त्रिक बिंदु। ठीक है, त्रिक बिंदु होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस, हमारे पास तीन स्टेट होती हैं सॉलिड लिक्विड गैस। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन होती हैं। जो रूम टेम्परेचर, जो उनका टेम्परेचर होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर मान लो, ठीक है, एक तो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस, और इसी को लिख सकते हैं 273.16 केल्विन, और एक और पास्कल में लिखेंगे 611 पास्कल। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको, 611 पास्कल। तो जल के त्रिक बिंदु कौन कौन से होते हैं, 0.3 तीन स्टेट होते हैं, एक तो लिक्विड गैस और सॉलिड, ठीक है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो इसके तीन स्टेट होते हैं, यानी टेम्परेचर होते हैं 0.01 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन और 611 पास्कल। ठीक है, तो देखो ग्राफ, हमने ग्राफ किया था, देखो ये करके आए थे। ठीक है, अगर इसमें हम, ठीक है, अगर यहाँ पे हम, ठीक है, इसका यहाँ पे 611 पास्कल हमारा, ठीक है, यो हमारा टेम्परेचर का कितना 0.01 डिग्री सेल्सियस है। अगर इसका 611 पास्कल यानी 0.01 डिग्री से शुरू हो रहा है, तो यह इसका प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे 611 पास्कल हो गया। अगर इसका यहीं पे टेम्परेचर सेम रखोगे, 0.01 डिग्री सेल्सियस रखोगे, अगर यहाँ पे इसका प्रेशर बढ़ा दिया तो 800 कर दिया, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट क्या रहेगा, 611 पास्कल ही होगा। तो जल के त्रिक बिंदु का पता चल गया, तो कौन कौन सा टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन और 611 पास्कल। इस पे एक न्यूमेरिकल भी है, वो भी करते हैं हम अब इसी के साथ, ये रहा। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, यानी जल का त्रिक बिंदु कौन सा है, 273.16 फेरेनहाइट, फेरेनहाइट में तो है ही नहीं है, और केल्विन में 273.16 केल्विन और 200 डिग्री सेल्सियस में भी नहीं है, और रेयर में भी नहीं है, रेयर भी नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी कितना होगा, 273.16 केल्विन। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शन में आएगा, ये भी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। बोलेगा जल का त्रिक बिंदु, ऑप्शन ये बी ना दे और इसकी जगह देते 0.01 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसी को टिक करके आओगे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, अब हमारा आ गया आगे नेक्स्ट आ गया हमारा एक टॉपिक है बिल्कुल इम्पोर्टेंट, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट बदलने यानी स्थानांतरण बदलने की विधियां। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये यानी हॉट बॉडी से कोल्ड, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में बदलना। ठीक है, जो जब अगर पानी गर्म है, ठीक है, पानी गर्म को किसकी जरूरत होती है, ठंडे पानी को मिक्स करने की, ठीक है, उसको नॉर्मल रखने के लिए। ठीक है, अगर हॉट बॉडी किस में चेंज हो रही है, कोल्ड वाटर में, यानी कोल्ड बॉडी कोल्ड में हॉट में चेंज हो रही है और हॉट बॉडी कोल्ड में चेंज हो रही है। ठीक है, अगर गर्म पानी है, ठीक है, अगर गर्म पानी है उसको ठंडा करने के लिए ठंडा पानी मिलाएंगे, यानी वो गर्म पानी से ठंडे पानी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक अपनी वो क्या कर रहा है, यानी अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। ठीक है, अपनी अवस्था परिवर्तन यानी बदल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमारे हीट और ट्रांसफर की तीन टाइप होते हैं, कितने टाइप होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, यानी फर्स्ट यह क्या है, इसका कंडक्शन, क्या है, फर्स्ट कंडक्शन। कंडक्शन इसको बोलेंगे सनवन, नो सॉरी चालन, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, चालन, क्या बोलते हैं कंडक्शन को, चालन।
और दूसरा टाइप होता हमारे पास है कन्वेक्शन। क्या होता है? कन्वेक्शन, इसको बोलेंगे संवहन। क्या बोलेंगे इसको? संवहन। और जो थर्ड टाइप होता है रेडिएशन। क्या होता है? रेडिएशन, इसको बोलते हैं हिंदी में विकर्ण। तो हीट ट्रांस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर के कितने टाइप होते हैं? तीन। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कंडक्शन, और दूसरा होता है कन्वेक्शन, और थर्ड होता है रेडिएशन। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं चालन, और इसको बोलते हैं संवहन और विकर्ण। तो हमारे पास तीन थ्री टाइप्स हो गए हैं। क्यों? यानी चेंज करना, यानी उसका हॉट यानी क्या था, हीट ट्रांसफर करने के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलना, वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना, यानी वो अपनी अवस्थाएं चेंज करता रहता है। ठीक है, तो हम तीनों के बारे में अब एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्या है? कंडक्शन यानी चालन। इसको क्या बोलते हैं? ऊष्मा स्थानांतरण, में इस विधि में बिना माध्यम के कणों की वास्तविक गति की ऊष्मा से एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, उसे क्या बोलते हैं? कंडक्शन। क्या बोलते हैं उसको? कंडक्शन यानी चालन बोलते हैं। नहीं, उष्मा स्थानांतरण होकर यानी बदल कर इस विधि के द्वारा, ठीक है, यानी बिना माध्यम के, इसका कोई माध्यम नहीं होता है, ठीक है। तो कणों की जो वास्तविक गति है वो उष्मा से कहाँ तो होती है, जो उष्मा उसकी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो इसमें तीन स्टेट होती है। एक तो हमारी कौन कौन स्टेट? एक तो सॉलिड थी, एक है लिक्विड, और दूसरी है, तीसरी है गैस, ठीक है। और हम वैक्यूम भी लिखते हैं, वैक्यूम को बोलते हैं हिंदी में निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात। देखो, जब सॉलिड में होती है, ठीक है, जब ठोस हो गए तो उसकी क्या होती है, जो वो बिना माध्यम के कणों की जो वास्तविक गति है वो चेंज हो जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। और जो लिक्विड होती है वो भी होती है, लेकिन इतनी खास यूज नहीं होती, ना गैस होती है ना वैक्यूम होता, ज़्यादातर सॉलिड का ही यूज होता है। किसका यूज होता है? ज़्यादातर सॉलिड का ही यूज होता है। किसका यूज होता है? सॉलिड का, ठीक है। तो जो सॉलिड का, अगर मान लो, ठीक है, हम पांच पांच लेते हैं, पांच बंदे लेते हैं, ठीक है, तो पांच बच्चे हैं, मान लो एक पिता के कितने लड़के हैं? पांच लड़के हैं, ठीक है, कितने लड़के हैं? पांच लड़के हैं। अगर इनके पास, एक के पास क्या है? बॉल है, ठीक है, क्या है? बॉल है, ठीक है। मान लो पहले के पास क्या है? बॉल। इसका पिताजी बोल रहे हैं भाई ये बॉल है नहीं, लास्ट वाले को पहुंचानी है, ठीक है, क्या है? ये बॉल है ना, जो गेंद है ये लास्ट वाले को पहुंचानी है, तुम कैसे पहुंचाओगे इसको? तो ये बोलता है मेरे पास तीन ऑप्शन है, ठीक है, मैं एक ऑप्शन तो यूज करूंगा, पहले इसको दूंगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसके पास पहुंच जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है भाई मैं उसको जाकर दूंगा, तीसरा ऑप्शन ये है मैं इसको फेंक दूंगा, ठीक है। तो इसने तीन ऑप्शन बताए हैं। तो ये पहले वाला बोल रहा है भाई मैं एक बार इसको दूंगा, सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को दूंगा, फिर फोर्थ वाले को, फिर पांचवें के पास क्या पहुंच जाएगी? बॉल पहुंच जाएगी, गेंद पहुंच जाएगी। और दूसरा ऑप्शन बताया है भाई मैं इसको भाई ऐसे भी दे सकता हूँ, डायरेक्ट इसको सीधा भी दे सकता हूँ, ठीक है, गेंद। और तीसरा ऑप्शन इसने ये बोला था भाई मैं एक बार इसके पास जाके
इसको दूंगा, ठीक है, फिर दूसरे वाला, फिर तीसरे वाला, ऐसे ऐसे इसने सीरीज बना दी, ठीक है। तो इसने तीन ऑप्शन बताए थे, ठीक है, तो गेन देने के। तो उसने क्या किया, ट्रांसफर किया है, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर मान लो ये सारे पार्टिकल्स क्या है, एक में क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक है, अगर ये इसी में इकट्ठे हो जाए, ठीक है, सारे डेंस हो जाए इसमें, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यानी ज़्यादा खुले हैं जो पार्टिकल्स, वे सारे इकट्ठे हो गए, ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे के अट्रैक्शन हो गए, यानी उन्होंने अपना स्थान बदल दिया, यानी वे दूर दूर थे, सारे क्या थे, दूर दूर थे। आओ अगर वे पास हो रहे हैं, ठीक है, वे एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो वे अपना क्या कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। तो सेकेंड क्या था इसका, कन्वेक्शन, क्या है, कन्वेक्शन, इसको बोलते हैं संवहन। तो इसको क्या होता है, ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मा स्थानांतरण में इस विधि के माध्यम के कणों की गति क्या हो रही है, कणों की गति से ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, यानी वे भी अपनी क्या कर रहे हैं, गति चेंज कर रहे हैं बिना किसी माध्यम के, यानी उनका कोई माध्यम है ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो देखो अगर मान लो मैं कोई रोड लेती लो की, ठीक है, क्या ले ली मैंने, रोड ले ली, ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसको हीट कर रही हूँ, यहाँ से क्या कर रही हूँ, इसको हीट कर रही हूँ, यानी गर्म कर रखी है मैंने, ठीक है, तो गर्म कर रही हूँ, तब यहाँ पे इसका स्टेट बदले, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये तो था हमारा कंडक्शन वाला, ठीक है, क्या था ये, तब यहाँ से ये हीट यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, यहाँ पे जाने के बाद हमारा हाथ बिल्कुल जल जाता है, ये तो थी हमारे पास कंडक्शन मेथड, क्या होता है हमारे पास, कंडक्शन मेथड, यानी वो हीट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ यहाँ तक यहाँ तक जा रही है, यानी अपनी स्टेट बदल रही है, ठीक है, अपनी जगह बदल रही है। मान लो हमें कोई, अब जैसे हमारे पास घरों में पतीला होता है, ठीक है, अब तो काठ की डंडी है, पहले से ऐसे सिल्वर की होती थी, एल्यूमिनियम की होती थी, अगर उसका जो बिकर है सामने वाला, ठीक है, उसको ही गैस पे रखा है, वो गर्म हो रहा है, उसके साथ साथ उसकी क्या हो रहा है, हाथ में पकड़ने वाला भी गर्म हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, उसकी हीट ट्रांसफर होकर उस वहाँ तक पहुँच गई, जिससे हमारा हाथ जल जाता है। तो ठीक है, हम हाथ को बचाने के लिए किसका यूज करते हैं, कपड़े का, ठीक है, ये तो होती है हमारे पास कंडक्शन, ठीक है। और जो कन्वेक्शन होती है, जो कन्वेक्शन होता है, ठीक है, ठीक है, तो कन्वेक्शन में क्या होता है, एक बिकर लेते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, पानी है, पानी भरा हुआ है, अगर इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं, हीट करते हैं, जब हीट करते हैं तो पहले वाले नीचे वाले पानी को क्या करेगा, गर्म करेगा धीरे धीरे, ठीक है, ये पानी को इसको गर्म करता जाएगा, गर्म करता जाएगा, ठीक है, ये ऊपर की ऊपर क्या होता है, गर्म होता जाएगा, ठीक है, जो ऊपर वाला ठंडे वाला तो नीचे आता जाएगा और गर्म होता हुआ ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, तो ये ऐसे होता जाएगा, ठीक है, जो ऊपर वाला नीचे आता जाएगा और जो नीचे वाला है वो ऊपर की तरफ जाता जाएगा, तो ये होती है इसकी कन्वेक्शन विधि, ठीक है। तो जब ये पूरा पानी क्या जाता है, फिर गर्म हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, हम रोड यूज करते घरों में, ठीक है, क्या करते हैं, रोड यूज करते हैं, ठीक है, तो रोड में क्या ठंडा पानी डालते हैं, तो ठंडा पानी कई बार क्या होता है, क्या हो जाता है, ऊपर तो गर्म मिलता है और नीचे ठंडा मिलता है, उसका कारण क्या होता है, कौन सी विधि होती है, वो कन्वेक्शन विधि होती है, ठीक है। तो रोड में क्या होता है, जब पानी गर्म होता है नीचे से, ठीक है, जब बुलबुले बनते हैं, ठीक है, उसके बबल्स बनते हैं, वो क्या हो जाते हैं, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और जो ऊपर वाला है वो जो ठंडा पानी है वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है, तो वो कौन सी विधि होती है, कन्वेक्शन विधि होती है, तभी तो हमें क्या है, ऊपर ऊपर पानी गर्म मिलता है और नीचे पानी ठंडा मिलता है, तो उसका कौन सी कारण, कौन सी मेथड होता है, वो कन्वेक्शन मेथड होता है। और इसमें तीन स्टेट होती हैं, वही सेम होती हैं, सॉलिड सॉलिड
लिक्विड, गैस और वॉक्यूम। तो इसका मेन कारण देख, सॉलिड तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमारे पास क्या है, लिक्विड और गैस, ये दोनों ही होते हैं, क्या होते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें कन्वेक्शन में, तो इनको हम स्टार लगा देते हैं, ठीक है। तो लिक्विड और सॉलिड क्या होते हैं, सॉरी लिक्विड और गैस, इसके सबसे मेन मेथड होता है, यानी सॉलिड को लिक्विड में और गैस और लिक्विड में, ये दोनों ही इसके इंपॉर्टेंट होते हैं कन्वेक्शन में और इन्हीं का यूज होता है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, थर्ड था हमारे पास रेडिएशन, क्या था, रेडिएशन, इसको बोलते हैं विकर्ण, क्या बोलते हैं, विकर्ण। तो इसका देखो, जब सूरज होता है हमारा, सूर्य होता है, सूर्य जब धरती पे प्रकाश डालता है, ठीक है, सूर्य से प्रकाश आता है, तब क्या होता है, वो सीधा डायरेक्ट ही आता है बिना किसी माध्यम से, ठीक है। तो इस किसी बिना किसी आवश्यकता के इस विधि में बिना माध्यम बिना माध्यम से, यानी बिना माध्यम के या फिर किसी की बिना आवश्यकता के भी लिख सकते हैं इसको बिना।